Nadia Edits, Presence, Engine Alton, and Esra Biljic. New, short film on both. You can see. Please make some noise for... जब पहली बार उसकी आंखों में देखा तो दिल ने कहा ये मिल गई तो जैसे पूरा जहान मेरा हो गया। फिर उस अफसाने में नित नए मोड़ आते गए। तुम्हारी इन गजाली आंखों में मैंने अपना आप खो दिया है जिसने दुनिया बदल दी है मेरी। बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं चलती हूँ। बात सुनो मेरी, अगर आज ना कहा तो कभी नहीं कह पाऊंगा मैं। Just subscribe Navya Edit. Good morning. आज रेस्टोरेंट जाओगी क्या तुम? अगर जाओगे तो मुझे भी अपने साथ ले जाना। देखो तो जरा मुझे, मेरा चेहरा पूरी हो रही हूँ मैं। फिट तो हो अच्छी खासी। थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच। इतनी कॉल्स की तुमने रिसीव नहीं किया मेरा फोन। अच्छा था इसलिए नहीं उठा। तुम डरते हो। मैं डरता हूँ? मैं आया था तुम्हारे पास। मुझे इस बेर में सिर्फ तुम नजर आती थी, हर चीज में, हर किसी में। दरअसल मैं... दरअसल क्या? I love you so much. दरअसल क्या? Just subscribe, I love you so much. Nabia Edit. आज ने कहा तो कभी नहीं किया। जस्ट सब्सक्राइब नाविया इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? एक जरूरी मुलाकात है, तुम सो जाओ आराम से। आपकी तैयारी से तो लगता है बहुत अहम मुलाकात है। देर नहीं होगी ज्यादा, जल्द आ जाऊंगा। कैसी हो तुम? और आन की कोई खबर मिली? नहीं, कॉल भी नहीं किया उसने अभी तक। ठीक है, चला गया, लड़ाई हुई थी, समझती हूँ मैं, लेकिन एक कॉल तो कर ही सकता था ना वो। मुझे अजीब महसूस हो रहा है। मुझे पुलिस स्टेशन ले गई थी, उसकी फोटो लेकर गई थी अपने साथ। कोई बात नहीं, कोई ना कोई हल निकल जाएगा। बहुत ही सेंसिबल इंसान है, लेकिन जब भी उसे गुस्सा आता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। किसी का भी लिहाज नहीं करता बिल्कुल भी। मैं इस चीज की गवाही दे सकती हूँ, मैंने वहाँ सब देखा। उसने वहाँ बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। लगता है तुमने बहुत एंजॉय किया। वेल, उनके साथ यही होना चाहिए था, लेकिन मुझे इन चीजों की बिल्कुल भी आदत नहीं है ना। दो खैरियत तो है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बस आपको एक नजर देखने चली आई। अच्छा किया तुमने, जाना चाहिए। बैठ तो जाओ, बात करते हैं। मुझे अहम मामलात में मुखिल होने का शौक नहीं, और भी बहुत से काम है मुझे। इजाजत दीजिए। सुबह से आप मेरी तरफ घूर घूर के क्यों देख रही हैं? अपने काम से काम रखो तुम।
तो अब तुम मुझ पर इल्जाम तराशी करो, कहना क्या चाहती हो आखिर? कहना ये है कि मेरे शोहर से दूर रह यही चाहती हूँ मैं, और तुम जैसी औरत क्या इरादे रख सकती है वो भी अच्छी तरह जानती हूँ। किन इरादों की बात कर रही हो तुम? क्या इरादे? रुस्वा होगी तुम मुझसे नफरत? हाँ, मेरा दिमाग पहले से घुमा हुआ है। मैं तो चाहती थी कि मुझे कोई मिले और उस पर मैं गुस्सा निकालूं, और तुमने आग को हवा दे दी। इससे पहले कि इस आग में जलो, निकलो यहाँ से। अगर आइंदा तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो ये खंजर चल जाएगा। हरगिज हद से बाहर न जाना, वरना ये आंखें बाहर निकाल दूंगी मैं। मैं इस बेइज्जती का बदला लेकर आऊंगी, याद रखना। को समझते क्या हो तुम? हाँ, ऐसे अल्फाज अपनी जुबान से निकाले क्या? हाथ नीचे रखो अपना, नहीं तो तुम्हें अपने इन अल्फाज की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या वो सब कुछ सच है? मैंने वो ही किया जिसकी वो हकदार थी। क्या तुम्हें ये इल्म नहीं कि मैं जो भी फैसला करता हूँ? मैं जानती हूँ, लेकिन मैं फिर उसके मुताबिक डालो खुद को खातू। मैं हमारे मुस्तकबिल का क्या फैसला है? जो फैसला हो जाए उसे बखुशी कबूल करना जरूरी होता है। प्यारी है जो हमें ताकत देता है। मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करके नया मकसद दिया है जीने का। ये तमन्ना है मेरी कि तुम्हारे चेहरे को हमेशा मुस्कुराता देखो। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मर जाऊंगी तुम्हारे लिए। मैं इस बेइज्जती का बदला लेकर आऊंगी, याद रखना। मैं हमारे मुस्तकबिल का क्या फैसला है? जो फैसला हो जाए उसे बखुशी कबूल करना जरूरी होता है। मैं इस बेइज्जती का बदला लेकर आऊंगी। कैसे तू हो गया बेवफा, जाने जा मुझको तू बता। मेरे दिल की वाहिद मलिका, ऐ मेरी नूर नजर, अगर तुम्हारे चेहरे ने से आसमान का रुख किया तो मैं तूफान बन जाऊंगा। ना अपनी सेहत का ख्याल रखा कभी,
और मैं कभी अपने आराम को देखा तो तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूंगा। खैरियत तो है, आखिर तुम कर क्या रहे हो यहाँ? मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ, तुम मेरे फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो? तमाशा बना के रखती है मेरा। इतनी नफरत करती हो मुझसे? तो अब इन सब बातों का कोई फायदा? लेकिन उसके बाद तुमने क्या किया मेरे साथ? हाँ, मेरे अरमानों को इस तरह से रोन डाला और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूँ? हाँ, ऐसा मैं हरगिज नहीं करूँगी। समझे तुम? इस सब से थक चुकी हूँ मैं बहुत। कैसे जाऊँ, कहाँ जाऊँ? तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती मैं, मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। रद कर दिया, अब यह मामला खत्म हो चुका है। कहना यह है कि मेरे शोहर से दूर रहो तुम, बस यही चाहती हूँ मैं। संभालो, तुमने अपनी मोहब्बत के लिए कितना सब्र किया, अब उस शख्स की उम्मीद छोड़ दो। दिल तो पागल